का बैग वहाँ पड़ा था, मुझे उनके बैग में कॉन्डम्स मिले। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस इस वक्त शक के घेरे में है। वजह बना है राजीव सेन का उन पर काफी सारे गंभीर आरोप लगाना। आपको बता दें, राजीव सेन ने हाल ही में इंटरव्यू दिया है चारू असोपा को लेकर, और इसके साथ ही कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब जिस तरीके से राजीव सेन चारू पर कई सारे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, उसके बाद भला चारू असोपा भी कहां चुप बैठने वाली है। दोनों का रिश्ता काफी टाइम से खराब चल रहा है और दोनों ने तलाक लेने का मन भी बना लिया है, लेकिन जिस तरीके से दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, फैंस को दोनों का ही अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हाल ही में राजीव सेन के इंटरव्यू के बाद चारू ने भी अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है फिल्मी बीट के साथ और बहुत सारे खुलासे किए हैं राजीव सेन को लेकर। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा चारू ने राजीव को लेकर और क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं। इवन आपने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको उनके बैग में कुछ ऐसी चीजें मिली थी, आई नो उसके आगे आपने उसको क्लैरिफाई नहीं किया, बट वो क्वेश्चन मार्क रह चुका है कहीं ना कहीं। मुझे उनके एग्जैक्टली क्या हुआ था कि वो दिल्ली गए हुए थे और मैं क्योंकि मैं उनकी चीजों को हाथ लगाती थी तो वो बोलते थे आर यू अ थीफ, तो मैंने उनकी चीजों को छेड़ना बंद कर दिया था। एक दिन आफ्टर मैरिज क्या हुआ था कि मैं उनका कवर ठीक कर रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, मेरे हिसाब से एक लड़की अगर शादी होके गई है तो वो लड़की के यू नो हस्बैंड की कवर ठीक कर सकती है, ये उसका हक होता है, या हक तो नहीं कहूंगी बट ये हमें सिखाया, मैंने मम्मा को हमेशा ये करते देखा है, तो मैंने सोचा बिखरा हुआ है मैं ठीक कर देती हूँ। And I was doing that, राजीव ने आके बोला, Are you a thief? Don't ever touch my things. तो उसके बाद से मुझे लगा शायद इनके घर में ऐसा ही होता है तो टच नहीं करना है। तो मैंने यू वोंट बिलीव 3 साल तक मैंने राजीव का कबर्ड खोल के भी नहीं देखा। लेकिन अभी जब वो दिल्ली गए हुए थे तो मैं कुछ सामान इधर उधर कर रही थी तो उनका बैग वहां पड़ा था, मुझे उनके बैग में कॉन्डम्स मिले। ओके या एंड आई वॉज शॉक्ड, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग। आई वॉज, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने एक ऐसे मैं ऐसे एक डेड प्लांट में यू नो वाटरिंग कर रही थी जो ऑलरेडी एक डेड प्लांट था, यू नो ये रिश्ता ऑलरेडी टूटा हुआ ही था जिसको मैं बचाने की कोशिश कर रही थी। आई नो ये आपके लिए टाइम भी टफ टाइम है, अभी आपको कॉल्स आएंगे क्लैरिफिकेशन के लिए, बट वी आर विद यू अगर आपको। बट मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती है कि कितना आसान है एक लड़की के कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना, यू नो मतलब जब एक इंसान के पास कुछ नहीं बचता है तो वो सोचता है कि ये लास्ट हथियार है, अभी उसके कैरेक्टर को उछालो, क्योंकि वो लड़की, क्योंकि लड़कियां जो होती है वो अपने कैरेक्टर को लेके काफी यू नो मैं बोलूंगी कि उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो जब उसको इस तरह उछाला जाता है, दूसरों के नाम के साथ जोड़ा जाता है तो बहुत बुरा लगता है यार। दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। आई मीन एक ऐसा आदमी जिसके साथ मैंने शादी की थी।